हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सीबीएसई की तरफ से अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ बताया जा रहा है सीबीएसई ने कुछ नोटिस रिलीज किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने गूगल ओपन करके रखा हूँ। मैंने सीबीएसई टाइप किया है। सीबीएसई टाइप करने के बाद यहाँ पे cbse.nic.in का नीचे आपको दिख रहा होगा लिंक दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। आइए देखते हैं क्या नोटिस रिलीज किया है। उससे पहले वीडियो पर नया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कोई रिजल्ट नहीं, वैकेंसी आती है, अपडेट करते हैं। तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा, पहला जो लिंक दिख रहा है cbse.nic.in पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन हुआ, यहां दिख रहा है सीबीएसई रिजल्ट एंड सीबीएसई वेबसाइट। मैं वेबसाइट पे क्लिक करना है, मैं वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया, नया पेज ओपन होगा। यहां नीचे आएंगे, यहां आपको दिख रहा होगा सीबीएसई रिक्रूटमेंट 2019 आंसर की न्यू लिखा हुआ आ रहा है, तो न्यू वाले पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक किया, नया पेज ओपन होगा और यहां आपको दिखेगा रिवाइज आंसर की रिलीज किया गया है, साथ में कुछ और नोटिस रिलीज किया गया। अब यहां पे क्या हुआ है, कुछ बच्चों ने कंप्लेन किया कि उनका आंसर की गलत आ रहा है, तो उन्होंने यहां पे रिवाइज आंसर की रिलीज किया है सभी पोस्ट कोड के लिए। जिन्होंने सही लगा है उन्होंने यहां पर रिवाइज आंसर की रिलीज किया है, आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं उसे। मान लीजिए मुझे अकाउंटेंट का डाउनलोड करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे डाउनलोड करना है। यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर की में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं आए। ये तो निकाला गया था, अब बात करते हैं कुछ और भी नोटिस निकाला गया उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर नोटिस और भी निकाला गया था उसके बारे में देख लेते हैं। नीचे बताया जा रहा है यहां पर कि जैसे जूनियर असिस्टेंट का नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या रहने वाला है। यहां देख रहे आपको नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला न्यू लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं, इस बारे में यहाँ बताया है जूनियर असिस्टेंट का। ये रहा फार्मूला, इसी फार्मूला से आपका हर एक लिखा हुआ ईच कैंडिडेट का कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, ये फार्मूला है। नीचे बताया है कि क्या फार्मूला को डिफाइन किया है, क्या क्या यहाँ पर इनका है। तो इन्होंने बताया कैसे हम लोग नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं। और आपका पेपर डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, अगर आप पेपर चाहते हैं लेना तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है, सारे पेपर्स वहाँ अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पेपर्स वहाँ मैंने अपलोड कर दिया है, कुछ पेपर रह गए हैं उससे भी डाउनलोड कर देंगे थोड़ा देर में, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको यहाँ से डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, दोस्तों को शेयर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।